तो उठते साथ ही सफाइयाँ भी मुझे खुद करनी पड़ती हैं अपने कमरे की, तो और बस ये हाल है मेरे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सफाइयाँ कर करके मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, जमादार बना हुआ यार मैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे छोटी सी क्विक सी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो 1 2 एंड सो व्यूअर्स तैयार हो चुका हूँ। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लग रहा हूँ। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा। जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी कुछ काम से, क्योंकि यार मेरे यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे मुझे, पता नहीं क्या मसला है उनको। मैंने एडमिशन लेना न्यू यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी वहाँ से कंप्लीट हो गई और मैंने अब न्यू एडमिशन लेना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे अभी तक मुझे, तो इसके लिए रोज़ाना जाके दलालत करनी पड़ती है मुझे। तो फिर दोबारा जा रहा हूँ, देखते हैं कौन से दोस्त मिलते हैं, क्योंकि सबके टाइम टेबल जॉब्स वाले होते हैं, कोई शायद नहीं मिलेगा, अकेला जाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करूँगा, किसी एक अधे को मैसेज कर दूंगा कि भाई तू रुक जा। अच्छा, तो फिर देखते हैं। आप ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, ब्लॉग के साथ स्टे कनेक्टेड रहेगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरन सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि डेली ब्लॉग स्टार्ट करने चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका भाई इस पे फोकस कर रहा है, सोच रहा है। चलें ठीक है, निकलता हूँ यूनिवर्सिटी, आप लोग भी मेरे साथ चलें। सो फाइनली भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं कि आपका भाई पहुंच चुका है यूनिवर्सिटी बड़े ठाट से, मगर आप देखते हैं कि आगे भी ठाट से काम होते हैं या नहीं। नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देख रहे हैं आप। हेलो कर दे अंकल। तो ना आप लोग देख सकते हैं, देख लें मेरी एप्लीकेशन लिख रही है, और बस एप्लीकेशन देंगे फिर हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखा ना आप लोग, लेकिन कह रही है आपने सबमिट कराने के बाद आईडी कार्ड अंदर ना आ जाए, आईडी कार्ड में हमेशा तस्वीर बुरी आती है यार। तो चलो ठीक है, सबमिट कराते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे हमारे। आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने तो बहुत दिल दुखाया है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये ऐनक लड़कियों वाली है, ये लड़कों वाली है, ठीक है? आप क्या कह रही हैं, बोले मैं आपके बात चेंज कर दूंगा, आगे 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 ऐसे लगा दूंगा। लड़कियों वाली है, चुराई हुई है। नो फीवर्स, ये लड़कों वाली, और मैं ज़रा रिटर्न क्यों चल रहा हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे धूप का साया आ रहा है, ओ सॉरी रोशनी आ रही है, और मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, तो इसलिए मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, अब हम कुछ खाने जा रहे हैं और ये पकड़े। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लड़कियों वाली भाई लग रही है कोई? नहीं नहीं ठीक है, बस ठीक लग रही है। A few moments later. हम लोग आ गए हैं कुजी हलीम खाने के लिए, गुलगश्त की मशहूर कुजी हलीम है जो कि आज हम खाने हैं। अब इस पे हम सजावट करेंगे, हम ये बोल सकते हैं, थोड़ी डालेंगे इस पे गार्लिक अदरक, इस पे जले हुए ऑनियंस, समझ रहे हो? मज़ेदार, सीरियसली नो डाउट, बहुत मज़े की। आप लोग भी है और ट्राई करें, बहुत मज़े की। 3 hours later. वेलकम बैक व्यूवर्स, घर आ चुका हूँ, और आप लोगों ने भी लाजमी जाना है वो कुजी हलीम खाने, क्योंकि बहुत मज़े की होती है। और ये प्लेस जो इनकी स्पेस है, वो लोकेशन है, वो है गुलगश्त में, मेन गुलगश्त में है कुजी हलीम। तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना जो लोग मुल्तान में रहते हैं। बाकी काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हुए थे कि यार आपकी मोम की तबीयत ख़राब थी तो अब आंटी कैसी हैं, तो मैंने पूछा कि आंटी यार ठीक है, आंटी मिलाद पर जा रही हैं, तो आंटी भी आप लोगों से थोड़ा मिल लें, आए मोम आए, तो मोम आ रही है। और मोम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक हो आप? मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। और मोम की तबीयत पहले से बेहतर, और जो काफ़ी लोगों ने पूछा था, माँ उनको क्या बोलेंगी? हाँ, उन्होंने मेरी तबीयत का पूछा है ना, उनकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ओके, तो मोम की तबीयत ठीक है, जैसे कि मोम ने आप लोगों को बताया। और चेहरा भी आप देख रहे हैं कि मोम का भी चेहरा ब्लर है, तो क्यों यार, ये बहुत जल्दी चेहरा ब्लर से हट जाएगा, क्योंकि मोम की आ रही है, बताना नहीं है मोम को, मोम की आ रही है बर्थडे, तो मोम का चेहरा रिवील उस दिन हम लोग कर देंगे। तो वो ब्लॉग भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, अभी तो काफ़ी दूर है। बाकी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या ना करें, ठीक है? और बाकी अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, मैं यूनिवर्सिटी से आ गया, थोड़ा मैं सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर मैं जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो रात को ही ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि कल ही अपलोड करना है, तो इसलिए फिर आप स्टे कनेक्टेड रहें। सो व्यूवर्स, उठते साथ ही मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं फर्स्ट टाइम इन बच्चों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ आप लोगों से। इट्स माई स्टूडेंट मूसा, से हेलो। हेलो से इतना हेलो करो ना। तो ये मूसा है और ये शफा है,
और शफाप ऐसे ही हेलो कर दो। ठीक है, तो चलें आप लोग का काम करें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे आज मैं दिखा दूँ आप लोगों को, आप लोगों से शेयर कर दूँ कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अच्छा, द फॉलोइंग डे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ चुका हूँ सिनेमा में टिकट लेने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग मूवी जा रही है ये जो आप देख रहे हैं सामने, मौला जट। इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है क्योंकि सिनेमा हो चुके हैं फुल टाइम फुल, इसलिए मैं आप टिकट लेने जा रहा हूँ और कल हम देखेंगे मौला जट और उसका व्लॉग भी आएगा, तो स्टे कनेक्टेड रहिएगा मौला जट के लिए भी। तो बस देखते हैं भाई टिकट मिलती है नहीं। सो भाई यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई, देखते हैं कि टिकट कब मिलती है और वेट ही कर रहा हूँ मैं खड़के काफ़ी देर से। तो ले लिया हम लोगों ने और ये देख सकते हैं क्या एडवांस बुकिंग होती है। तो घर जाने के बजाय हम लोग आ चुके हैं अपने लिए चप्पल लेने के लिए और देखते हैं कि कौन सी चप्पल पसंद आती है हमें। अरे मुझे तो जूती पसंद आ गई भाई, और सॉक्स उतारनी पड़ेंगी तो आप लोगों ने बताना है। इसमें छोटा साइज़ दिखाएं भैया, इसमें एक साइज़ नंबर छोटा दिखाएं। सो भाई मुझे तो ये चप्पल पसंद आ चुकी है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि चप्पल कैसी है, और बस ये ले ही लेता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। अब ये डन। सो चले व्यूअर यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।